सुल्तानपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई जाती हैं। इन योजनाओं पर काम भी शुरू होता है, लेकिन काम पूरा कभी नहीं हो पाता क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही सरकार की योजनाओं के आगे दौड़ती रहती है, जिसका नतीजा ये है कि जर्जर इमारतें हैं जो सरकारी फाइलों में अस्पताल के तौर पर दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। कुछ दिनों पहले सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे थे। अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी वही इमारतें दिखाई जिन्हें देखकर मंत्री जी खुश हो जाएं। लेकिन असल हकीकत को बहुत ही चतुराई के साथ छिपा लिया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बल्दीराय ब्लॉक के हलियापुर जरई कला की है, जहाँ मातृ शिशु कल्याण केंद्र का भवन मौजूद है। ये टूटी फूटी भूतिया सी दिखने वाली इमारत सरकारी कागजों में अस्पताल की शक्ल में दर्ज है। देखरेख के अभाव में ये अस्पताल अपने हालात पर रो रहा है। इस अस्पताल में एनएम रेखा मौर्य की तैनाती है, लेकिन उनके बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। बावजूद इसके वो बेचारी हफ्ते में 3 दिन इस स्वास्थ्य केंद्र में बैठती हैं ताकि मरीजों को टीका वगैरह लगाया जा सके। वहीं एएनएम की माने तो स्वास्थ्य केंद्र की इस हालत की जानकारी उन्होंने अधिकारियों को भी दी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ हाल हलियापुर के मातृ शिशु कल्याण केंद्र का है। गांव के बीच में पिछले कई सालों से सेंटर चल रहा है, जहां एनएम प्रियंका सिंह की तैनाती भी है, लेकिन वो यहां कभी नहीं बैठती। आरोप तो यहां तक है कि अधिकारियों की शह पर उन्होंने खुद को पीएचसी पर अटैच करवा लिया है, लिहाजा पूरी इमारत में ताला लटका रहता है। इसी के बराबर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भवन भी है, जो करीब 2 साल पहले बनाया गया था। इसका शिलान्यास सितंबर 2019 में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद मेनका गांधी और विधायक अबरार ने किया था। इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हो गई, लेकिन अफसोस आज तारीख तक ये चालू नहीं हो सका। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये इमारतें सफेद हाथी साबित हो रही हैं। ये खबर हमारे संवाददाता अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस खबर से YouTube के जरिए रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।